पागल अपराधियों को भारतीय कानून सुरक्षा प्रदान करता है और पागल व्यक्ति के अपराध से उसे मुक्ति भी प्रदान करता है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पागल व्यक्ति को भारतीय कानून कैसे सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। धारा 328 के अनुसार मजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराधी पागल है तो मजिस्ट्रेट पागल अपराधी की मेडिकल डॉक्टरी जांच करवाता है। यदि जांच के बाद यह रिपोर्ट आती है कि अपराधी वास्तव में पागल है तो उसके मामले में आगे की कार्रवाई रोक दी जाती है। अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि पागल व्यक्ति का मामला जमानतीय है तो पागल व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। यदि पागल व्यक्ति ने अजमानतीय अपराध किया है जिसमें जमानत नहीं दिया जा सकता तो मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति द्वारा गारंटी देने पर छोड़ दिया जाता है। यदि उसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं है तो मजिस्ट्रेट उस पागल अपराधी को भारतीय पागल खाना में भेज देता है। जब कभी किसी पागल व्यक्ति की कार्यवाही बंद की जाती है तो जैसे दिलवाले फिल्म में अजय देवगन की फांसी की सजा रोक दी जाती है और जब अपराधी पागल नहीं रहता तो उसके मामले की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी जाती है। जब मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि अब पागल अपराधी स्वस्थ है तो मजिस्ट्रेट आगे की कार्रवाई शुरू करता है, लेकिन मजिस्ट्रेट यह पाता है कि अपराधी अब भी पागल है तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट पुनः पागल खाने में भेज देता है। यदि अपराधी अपराध करते समय पागल होता है तो उसके स्वस्थ होने पर कोर्ट मामले की विचार कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति उस पागल को अपने पास रखने की प्रार्थना कोर्ट से करता है तो उस व्यक्ति को राज्य सरकार के पास कई प्रकार की गारंटी देनी पड़ेगी। जैसे नंबर एक, वह पागल व्यक्ति का अच्छे से देखभाल करेगा और अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। पागल व्यक्ति को इस प्रकार अपने पास रखेगा कि पागल व्यक्ति दूसरे लोगों की किसी भी प्रकार की हानि नहीं करेगा। नंबर दो, वह पागल व्यक्ति को उस समय और उस स्थान पर पेश करेगा जो राज्य सरकार तय करेगी। नंबर तीन, वह उस पागल को न्यायालय में पेश करेगा जब कोर्ट उसे पेश करने के लिए कहेगा। दोस्तों हालांकि बता दें, ध्यान देने योग्य यह बात है कि पागल को कोर्ट में उस स्थिति में पेश करना होगा जब पागल व्यक्ति की कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 330 के अनुसार बंद कर दी जाती है। पागल खाने में महानिरीक्षक यह प्रमाणित करता है कि वह पागल किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो राज्य सरकार उस पागल को रिहा कर सकती है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भेजना न भूलें। धन्यवाद।